खासियत रहते हैं, कभी बॉडी में पर्दे पे दिखाता हूँ, ऐसे बहुत मैं सिंपल रहता हूँ भैया, बिल्कुल कोई कह भी नहीं पाता है कि हीरो है। कभी कभी तो टेक्नीशियन और स्पोर्ट बाइक कहते हैं कि भैया आप हीरो हैं, इधर बैठ गए नीचे, तो मेरे कुछ पर्दे पे जो देखता, हमारे दर्शक जो देखते हैं पर्दे पे दिखाता हूँ वही। क्या तैयारी इस फिल्म में आपने करके रखी है कि आप ओमकारा बनने जा रहे हैं, अलग एक किरदार होगा और सर आपसे फिर जो चीज़ करवाने वाले हैं, क्या है इसके अंदर? जी सबसे पहले तो जब से हमारी ये टीम एक जुड़ी है नरसिम्हा से, तो हम लोग नरसिम्हा करने के बाद ये पूरा तैयारी कर लिए ओमकारा का। जब हम लोग प्रॉपर ढंग से तैयार हो गए तब जाके हम लोग अनाउंसमेंट किए और शूट पे आए। हर तरह से एक फुल कमर्शियल फिल्म है, एक्शन माने हर चीज़ है इसमें एक्शन, क्योंकि वीरू भाई लिखते हैं वो कमाल के लिखते हैं, माने ये सीन के बाद क्या है, उसके बाद से क्या है, क्लाइमेक्स में क्या है, वो जितना अच्छा लिखते हैं उससे बेटर सुजीत जी उसको सजा देते हैं। उनका जो जब गाड़ी चलती है राइटिंग का, तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर सीन ज़्यादा चलता है, तो सारे टेस्ट उसमें रहते हैं। तो हम लोग नरसिम्हा करने के बाद उस टाइम से मेरा ये प्रोसेस ओमकारा का चल रहा है, जब पूरा हर चीज़ कन्फर्म हो गया तब हम लोग जाके, हम लोग का एक आदत है कि माने मुहूर्त हम लोग नहीं करते, मुहूर्त के साथ ही शूट करते हैं। ये ओमकारा चल रहा है, इसके बाद भी ये शूटिंग के दौरान भी हमारा वास्तव का पूरा प्री प्लानिंग मैंने चल रहा है। वास्तव वह एक और बहुत बड़ा टाइटल है, अभी नाम मैंने लूँगा उसका, मेरा चल रहा है। तो हम लोग वर्क करते हैं, भोजपुरी में मैं साल में 2-3 फिल्म करूँगा, लेकिन उस पर हर चीज़ गेटअप कंसेप्ट हर चीज़ करके अच्छा से भैया करेंगे। अब पूरी मैं टीम लेके चलता हूँ, हमारे स्पोर्ट बॉय है उस पूरी टीम, पूछे हम लोग किए हैं काम, जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं खाना नहीं, सबके रूम में जाके पूछता हूँ। अभी मैंने 2 फिल्में छोड़ा, अभी मैं पूछा कि भैया क्या है, सबसे पहले मैंने कहाँ शूट करता, बिहार में हम लोग क्या है वहाँ, मैंने किस क्या है, वह तो बोले कि वहाँ के एक लोग है, वो लोग बोले हैं कि वहाँ सारा रहना खाना व्यवस्था है वो, हम लोग भी उसके अलावा मैं कुछ सुना है, हम लोग भी हम नहीं जाएँ, हम तो निकल जाएंगे लेकिन जो हमारी टीम जाएगी, जो हमारा यूनिट जाएगी वो फंस जाएंगे, तो ऐसी फिल्म हमको नहीं करना है हम लोग। जी प्रोड्यूसर है आपके पास बैठे हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो आपके ऊपर जो है प्रोड्यूसर आपसे इतना खुश हो गई है कि परमानेंट आपको अपने हीरो बना रहे हैं, कंपनी में आपको एकदम उतार दिया है, क्या कर दिया है? हाँ, ये मेरा सौभाग्य की बात है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा वो है कि एक अभिनेत्री रह चुकी है शिखा जी, बड़ी फिल्म बनाई है, और मैंने एक औरत होकर फिर से भोजपुरी फिल्म कम मैंने बार बार बना रहे ना जी, ये भोजपुरी के लिए एक अभी करेंगे, अभी 4-5 महीना बाद एक बहुत बड़ा हम लोग खुशखबरी देंगे, 5 महीना बाद बहुत बड़ा बड़ा धमाका, बहुत मैंने इससे भी बड़ा धमाका, नहीं भोजपुरी ही। मैडम के बारे में कहेंगे, आपके साथ काम कर रहे हैं मैडम, तो क्या तैयारी चल रही है इनके, पहले से कुछ तैयारी हुई है कि इस तरह से हम इनका केमिस्ट्री बनेगी हमारी फिल्म में? ये हाँ, ये अब सुजीत भैया बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने ही सिलेक्ट किया है, हमारा कुछ हीरोइन के मामले में कुछ भैया नहीं रहता है, ये सच है। हाँ विलेन उलन रहते हैं, मैं विलेन जो रहते हैं थोड़ा समय बोलेंगे, हीरोइनों में सारा सुजीत भैया ऑल, मतलब खाली मैं सजेशन देता हूँ, खाली 1-2 विलेन चाहे करेक्टर के जो हमारे करीबी रहते हैं, नहीं तो बाकी हमारा कुछ नहीं रहता है। बहुत कम ऐसे हीरो हैं जो हीरोइन को चुनने के लिए डायरेक्टर को देते हैं। नहीं अभी तो क्या है, सजेशन देना अलग बात है, लेकिन काम तो डायरेक्टर का ही है ना, कहानी का जो मतलब दिमाग में कहानी जो डायरेक्टर रखे हुए हैं, उसमें हीरोइन या कोई भी कास्टिंग हो, तो अपने लोग हैं, टीम है, एक सजेशन होता है उसमें अच्छा होता है हम लोग करते हैं। और रूपा जी के बारे में जो है, हमने काम किया है 4-5 फिल्में पहले मैंने किया, तो उसमें कहीं से भी ये नहीं, और इसमें जो इनका जो करेक्टर है बहुत अच्छा है, जो पर्दे पे आप लोग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बोलेंगे नहीं आपका सिलेक्शन सही है। मैडम आप बताइए, फिर आप बता दिया सर ने कि पर्दे में कुछ अलग करेक्टर है, आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम जी, मैं यही बताना चाहूँगी ओमकारा फिल्म मुझे मिली है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा टाइटल अपने आप में, और सुजीत सर के साथ काम करने का मौका मिलना, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी दोस्त हमारी जो मित्र है शिखा मिश्रा, वो प्रोड्यूस कर रही हैं, और एक महिला होने के नाते वो चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की उस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हैं और उसकी निर्मात्री हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि वो हम दोनों एक दूसरे का दुख समझेंगे और हम दुख समझने के लिए हैं और
सर के साथ काम करने में ना बहुत मजा आता है। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है और सेट पे ऐसा नहीं होता है कि बहुत ओवरलोड काम नहीं, मतलब कितना भी काम कराते हैं पता ही नहीं चलता हमने कब काम खत्म, क्योंकि बहुत प्यार से काम करवाते हैं, पता ही नहीं चलता है डायरेक्टर है, बिल्कुल लगता ही नहीं है। सर के बारे में क्या कहेंगे आपके साथ जी? तो हमारे जनता जनार्दन है, वही है जो हमें हिट फ्लॉप कर सकते हैं, सब उन्हीं के हाथ में होता है। बस यही चाहूँगी जैसे इतने दिन से प्यार देते आए हैं आगे भी ऐसे प्यार बरकरार। प्रिंस जी के और डायरेक्टर जी के बारे में क्या कहना आपका? इन लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है? हम सबकी ट्यूनिंग अच्छी है, पूरी यूनिट की, हमारी नहीं केवल, पूरी यूनिट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जितने टेक्नीशियन है इतना सपोर्ट करते हैं भैया कि मैं क्या बताऊँ। क्या जी? देखिए हमारे जो भाई है अजीत दोस्त हैं जो शिखा जी के पीछे खड़े हैं वो महेंद्र जी हैं, तो उन्होंने काफी देवन पहले दिन बोल दिया है कि आप पिक्चर अच्छी बनाइए, पैसा चाहे जितना लगे, पिक्चर अच्छी बननी चाहिए। तो जब उन्होंने ये वर्ड दे दिया है तो मुझे पैसा भी देखना है और पिक्चर भी देखना है। उनके तरफ से 1000% मतलब कॉर्पोरेशन मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं